हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि ताश के पत्तों में एक ऐसा भी राजा होता है जिसकी मूंछें नहीं होती हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां की ट्रैफिक लाइट में ग्रीन नहीं ब्लू कलर होता है? कौन है ये राजा और कौन है ये देश? दोस्तों, ऐसे ही बेहद विचित्र और रोचक तथ्यों के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ हम सिर्फ तथ्यों को बताएंगे ही नहीं बल्कि उनके पीछे के रीजंस को भी एक्सप्लोर करेंगे। एंड वी नो कि आपका माइंड बहुत क्यूरियस है, इसलिए हमने कुछ बेहद इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स को लास्ट के लिए रखा है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों ये तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में चार राजा होते हैं, लेकिन एक बात कम ही लोगों को पता होती है, वो ये कि इनमें से तीन राजाओं की तो मूंछें होती हैं, लेकिन एक की नहीं होती है और वो राजा होता है किंग ऑफ हर्ट्स। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्जियन के अनुसार शुरू में इस राजा की भी मूंछें होती थी, लेकिन एक बार जब कार्ड्स को रीडिजाइन किया जा रहा था तब डिजाइनर उसकी मूंछें बनाना भूल गया और तब से किंग ऑफ हर्ट्स बिना मूंछों वाला राजा हो गया। शायद आपने कभी ध्यान न दिया हो, उनमें से तीन राजाओं की ही मूंछें होती हैं। फैक्ट नंबर टू, फ्रेंड्स सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा से बातें करने वाले एक सुपर हीरो की इमेज माइंड में बन जाती है, पर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जब 1938 में इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था तो उसके पास उड़ने की पावर्स नहीं थी। ऐसे में वो ऊंची ऊंची इमारतों को तो जंप कर लेता था, पर अगले ही पल उसे जमीन पर आना पड़ता था। बाद में 1940 में जब नए कार्टून शो के एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर कार्टून बनाना चाहा तो उन्हें जंपिंग सुपरमैन बनाने के लिए बार बार घुटनों को मोड़ कर स्केच ड्रॉ करना पड़ता था, जो कि काफी डिफिकल्ट था। ऐसे में डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की पावर्स होंगी और उसे बार जमीन पर भी नहीं आना पड़ेगा। इससे सुपरमैन को नई पावर्स भी मिल गई और एनिमेशन भी स्मूथ बन गया। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने की इच्छा है, तो क्या आप इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं? ऐसा कौन सा बच्चा होता है जिसका वजन रोज 2-4 किलो नहीं बल्कि 90 kg तक बढ़ जाता है, यानी 90 किलो तक बढ़ जाता है? हमारे बताने से पहले ही इस क्वेश्चन का सही उत्तर देने वाला खुद को इंटेलिजेंट समझ सकता है। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों ये तो बात आप जानते ही हैं कि फोटो खींचते समय से चीज कहने का प्रचलन है ताकि हमारी स्माइलिंग पिक आ सके, लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि लगभग 100 साल पहले विक्टोरियन एरा में लोग फोटो खींचते समय से प्रॉन्स कहते थे ताकि फोटो में उनके चेहरे पर गंभीरता दिखे। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय अधिक हंसना गरीबों और शराब पीने वालों को जोड़ करके देखा जाता था। शायद यही कारण है कि जब हम पुराने समय के राजा महाराजाओं के पोर्ट्रेट देखते हैं तो हमें कहीं भी स्माइलिंग फेस देखने को नहीं मिलता है। फैक्ट नंबर फोर, फ्रेंड्स मॉडर्न फिजिक्स की मदर कहे जाने वाली महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, और उन्हें हम उनके रेडियोएक्टिव मटेरियल्स पर किए गए शोध और पोलोनियम तथा रेडियम की खोज के लिए जानते हैं, लेकिन शायद आप ये ना जानते हो कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स में उनकी रुचि ही उनके मरने का कारण बनी। एक्सपोजर टू रेडियोएक्टिविटी की वजह से उन्हें एल्पास्टिक एनीमिया नामक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। यहाँ तक कि रेडिएशन ने उनके कपड़ों, फर्नीचर और किताबों को भी नुकसान पहुँचाया और उनके मरने के लगभग 100 साल बाद भी उनकी चीजें रेडियो एक्टिव हैं और उन्हें लेड बॉक्स में रखा गया है और अगले आने वाले 1500 सालों तक उन्हें ऐसे ही रखा जाएगा। फैक्ट नंबर फाइव, दोस्तों आईफोन का नाम आते ही दिमाग में एप्पल कंपनी के इस शानदार प्रोडक्ट की इमेज बन जाती है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहली मोबाइल डिवाइस जिसे आईफोन नाम दिया गया था वो एप्पल ने नहीं डिजाइन किया था बल्कि उसे सिस्को कंपनी ने डिजाइन किया था। उसका काम बिना कंप्यूटर के यूज किए स्काइपी की वॉइस फंक्शनैलिटीज को यूज करना था। इस डिवाइस के आने के 22 दिन बाद एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा कर दी थी, जिस पर सिस्को ने कोर्ट केस भी किया था, पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में दोनों कंपनियां इस नाम को यूज करने के लिए राजी हो गई थी। फैक्ट नंबर सिक्स, कई बार पेरेंट्स से पैसे मांगने पर वे कहते हैं कि यहाँ पर पैसों का कोई पेड़ नहीं लगा है, पैसों की कोई बारिश नहीं हो रही है जो तुम्हें हर समय पैसे देते रहे हम। लेकिन हमारे इस यूनिवर्स में कई ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर पैसे तो छोड़िए हीरो यानी डायमंड्स की बारिश होती है। दोस्तों सैटर्न और जुपिटर ऐसे ही दो प्लैनेट्स हैं जहां के एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में कार्बन अवेलेबल है, और जब मौसम के बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है तो वो बिल्कुल हार्ड होकर के ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, और नीचे गिरते हुए एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता जाता है जब तक कि वो डायमंड बन जाए, और इस तरह से वहां हीरो की बारिश होने लगती है। फैक्ट नंबर सेवन, फ्रेंड्स 26 अक्टूबर 2001 के दिन अमेरिका के मैथ्यू मैकनाइट किसी एक्सीडेंट साइट पर लोगों की हेल्प कर रहे थे, तभी 112 किलोमीटर पर आर की स्पीड से आ रही एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी और वे 118 फीट दूर तक जाकर गिरे, जो कि अब तक किसी भी कार एक्सीडेंट में सबसे दूर तक फेंके जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस एक्सीडेंट में उन्हें काफी गंभीर चोटें आईं, लेकिन एक साल के बाद वो फिर से फिट होकर के अपने काम पर वापस लौट गए। फैक्ट नंबर 8, फ्रेंड्स क्या कोई इतना लकी हो सकता है कि एटम बम के अटैक से बच जाए?
वो भी एक बार नहीं दो दो बार। यकीन करना तो बहुत मुश्किल है ना। लेकिन जापान के सुटोमू यामागुची एक ऐसे ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। उन्हें 6 अगस्त 1945 को एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया था, लेकिन उस दिन अमेरिका ने वहां एटम बम गिरा दिया जिसमें यामागुची का चेहरा और हाथ झुलस गए थे, पर चमत्कारिक रूप से वो मरने से बच गए और वापस अपने घर नागासाकी चले आए। 3 दिन बाद अमेरिका ने वहां भी एक एटम बम गिरा दिया। इस हमले में उनका घर बर्बाद हो गया, पर सौभाग्य से उस वक्त वो और उनका परिवार ऐसी सुरक्षित जगहों पर मौजूद थे कि सबके सब बच गए। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों 70 साल की अधिकांश महिलाओं से आप संभल संभल कर धीरे धीरे चलने की उम्मीद करेंगे, लेकिन अमेरिका की चाओ स्मिथ नाम की एक ऐसी महिला भी हैं जिन्होंने अपने 70वें जन्मदिन को 7 मैराथन रेस दौड़कर सेलिब्रेट किया, वो भी 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में और लगातार 7 दिनों में। और तो और इन कॉन्टिनेंट्स में एंटार्क्टिका जैसा टफ वेदर कंडीशन वाला भी कॉन्टिनेंट था। ये महान उपलब्धि चाओ स्मिथ ने 2017 में हासिल की। एक बार तो वो फ्लाइट लेट होने के कारण मैराथन शुरू होने से जस्ट पहले ही वेन्यू पर पहुंची, पर फिर भी उन्होंने रेस दौड़ी और पूरी भी की। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों कुछ लोग वेट बढ़ने से बहुत परेशान होते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा भी बच्चा होता है जिसका वजन रोज 2-4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो तक बढ़ जाता है। वो बच्चा होता है ब्लू व्हेल का, जो कि अपने पहले साल में हर रोज 90 किलोग्राम भारी होता जाता है। और एक बात और, एक एडल्ट ब्लू व्हेल का वजन 1.4 लाख किलोग्राम तक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इन फैक्ट्स में से कौन सा फैक्ट और क्यों आपको सबसे अधिक रोचक और हैरान कर देने वाला लगा? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।